वेलकम टू दिस एपिसोड. ये कमरा साफ नहीं है. ये ऑनेस्टली इतना इजी नहीं है. ये जो हम व्लॉग में कूल बनते हैं ना कि ओ ताली बज गई रूम साफ हो गया, सारी मेहनत हमने ही की है. नानी ने मुझे सुबह कहा था कि हम ग्रोसरीज लेने चलते हैं, पर मैंने नानी को मना कर दिया क्योंकि बाहर सेफ नहीं है, ग्रोसरीज डिलीवर हो जाएंगी. एंड दैट्स मी playing a part in being a responsible citizen. I'm in Jaipur, as I mentioned in the last vlog. और जब से मुझे COVID हुआ है, तो तब से बहुत कुछ बदल चुका है. Cases are rising, people are dying, the country is in chaos. Scene बहुत bad है basically. पर बहुत लोग अभी भी पार्टियां कर रहे हैं. मैं seriously कह रही हूँ, घर में बैठ जाओ, बाद में हो जाएगी पार्टी. सॉरी, मैं थोड़ा फील्स में. मेरे पेरेंट्स को भी कोविड है, दे आर रिकवरिंग एंड होपफुली दे विल बी बेटर वेरी सून. मैंने इतना बिग ब्रेन लगाया नहीं और मैं जयपुर आ गई विद 3 पेयर्स ऑफ क्लोथ्स. अब कुछ पहनने के लिए था नहीं और इधर वे आई वांटेड टू बाय कुर्ताज और अब मैं रोज कुर्ता पहनती हूँ. इस चीज का कोई पॉइंट नहीं है एक्सेप्ट द फैक्ट कि मेरे पास कपड़े नहीं है. पर ऐसी भी बात नहीं है कि मैं कुर्ते में क्यूट नहीं लग रही, मतलब मैं क्यूट तो लग ही रही हूँ ऐसे तो. I just got my blood test done, as you saw. Since मुझे अभी थोड़ी recently COVID हुआ था एंड हमारी इस कंट्री में सिचुएशन बहुत शिटी है. एंड ईदर वे आई फिगर दैट इट वुड बी नाइस इफ आई कुड डोनेट प्लाज्मा. आई नेवर रियली टॉक टू यू गाइस अबाउट माय कोविड जर्नी. इट वाज प्रोबब्ली वन ऑफ द वर्स्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माय एंटायर लाइफ. और ये देखने से कि हमारे देश में कितने लोग सफर कर रहे हैं इसकी वजह से, दैट्स really sad. मैं पूरे कुछ 15-20 दिन में 4 बार अपना खून दे चुकी हूँ, including today. यार ये जो मेरा हर बार खून ले जाते हैं ना, चुपचाप यार उंगली से ले जाओ यार, blood group test में तो यार. But फिर भी I don't mind it because I am healthier than other people and I'm glad that I might be able to help someone. मैंने आज अपना blood group का test कराया because I wasn't sure कि मेरा blood group क्या है. But my parents kept saying कि A+ है, but I just didn't want to take a risk. तो मैंने फिर भी करा लिया. अब कल रिजल्ट आ जाएगा और मुझे कोविड हुए हुए 14 डेज हो जाएंगे कल. एंड आई थिंक आई कैन डोनेट प्लाज्मा ऑन द 15th डे. मैंने सोचा था कि मैं प्लाज्मा डोनेट नहीं कर पाऊंगी बिकॉज आई हैव अ टैटू हियर और मैं बहुत रिसेंटली कराया था. बट जो पेशेंट है जिसको प्लाज्मा की नीड है जयपुर में ही करंटली, आई थिंक उसकी डॉक्टर या किसी से मैंने बात की, शी सेड दैट कि कोई दिक्कत नहीं है टैटू की, यू कैन इजीली डोनेट प्लाज्मा. बट फिर भी आई एम गोइंग टू वेरीफाई इट विद द डॉक्टर्स. मैंने सोचा था कि मैं दिल्ली जाकर प्लाज्मा डोनेट कर लूंगी, बट अब मैंने रियलाइज किया यार जयपुर maybe I can, you know, look for people who are in need and maybe help them out. But okay, that's all for right now. I'm going to go clean the room again because it is the next day. जब से मैंने पिछला सेगमेंट रिकॉर्ड किया तब से बहुत कुछ हो चुका है. मुझे पता चला है कि मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है. ऑल्सो द फैक्ट कि मैं प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकती. कुछ लोग कह रहे हैं कर सकते हो, कुछ लोग नहीं कह रहे हैं मैं नहीं कर सकती. बट इधर वे कोविड होके 15 दिन होने चाहिए, फिर ही यू कैन डोनेट प्लाज्मा. एक और दिक्कत है, ये जो मैंने टैटू कराया था रिसेंटली, इसकी वजह से भी शायद मैं डोनेट नहीं कर सकती. मेरी जिस पेशेंट की बेटी से बात हुई थी, आई थिंक उनने कहा था कि उन्हें टैटू से कोई दिक्कत नहीं है, वेर एज सम अदर पीपल सेड दैट नहीं टैटू है तो आप नहीं कर सकते. ये मेरा भाई है. ऑल्सो मेरे पेरेंट्स रिकवर हो चुके हैं, भगवान का शुक्र है. हम अभी इंस्टाग्राम फोटो शूट करने जा रहे हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम बहुत ड्राई है, हम कुछ अपलोड नहीं करते. तो आओ चलो तो मैं सिखाती हूँ क्या करते हैं हम. मैं भी ऑनेस्टली बहुत बेकार हूँ ये फोटोज वोटोज में और पोज मारने में. मेरा आउटफिट बेसिकली एक कुर्ता है और ब्लैक जीन्स और मेरे एयरफोर्स. हाथ में मेरा ये बैंड तो हमेशा होता ही है और ये रिंग, और मैंने कल नेल पॉलिश लगाई थी, विच लुक्स क्यूट. अभी यार फोटोज तो मतलब इतनी नाइस तबाही वाली नहीं आई है, बट ठीक है, ऐसी कुछ टेढ़ा मेढ़ा कर दो यार, नाइस आ ही जाएगी. मतलब मैं कैसी एडवाइस दे रही हूँ यार, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी कर दो अच्छी आएगी. बरादी एयरपोर्ट और मेरी बहन ने छोड़ना है. बहन आप ब्लॉग को क्या कहना चाहोगे? Hi people, my sister is crazy. वो तो उन्हें पता ही है अब तक. भाई डिक्की में हॉकी स्टिक लेके आप घूमो और यार crazy मैं आगे देखती हूँ, पापा पीछे देख देते हैं. इमरजेंसी हो तो मैं पीछे से कहाँ से लेके. इमरजेंसी क्या होती है बे, आप लोगों को पीटना हो तो. आप हरियाणा के हो क्या? नहीं बट लड़के हो सकते थे. बात तो सही है, वेरी ट्रू. दिस एयरपोर्ट इज लिटरली सो बैड, ऐसा लग रहा है की पिकनिक जैसा लग रहा है बेसिकली ये पूरी एरिया. पता नहीं नीचे वाले फ्लोर पे तो बहुत पिकनिक वाइब्स थी, ये वाला थोड़ा खाली है ड्यू टू कोविड. ईदर वेज आई कैंट वेट टू गेट होम, आई रियली वांट टू गेट होम. वेट, आई टेक एवरीथिंग आई जस्ट सेड बैक. नीचे तो एक पिकनिक लग रहा था, बट आई थिंक दिस इज लाइक द मोर नाइसर एरिया. और ये कितना एस्थेटिक लग रहा है ब्रो.
Basically, I found out that I can't donate plasma because of my tattoo and the fact that my veins are very thin. But mere dad ka test kiya abhi, so we will find out if my dad can donate blood instead. I thought age to donate plasma is 19-45, but we'll see. Agar main nahi kar pa rahi to papa kar lenge, which is nice. It honestly really sucks that I can't help out, but ab banda kya hi kare. Forcefully, agar khoon nahi lagta to chadayenge to nahi logon mein. But yeah, I think I did my part by at least trying to do. This is a disappointment, but fine. Okay, I'm back home. अभी मुझे पूरा unpack करना है, सब कुछ साफ करना है, AC को clean करना है, कमरे को clean करना है, बर्तन करने हैं क्योंकि वापस lockdown आ गया है. It's really fucked. Please stay home, everybody. मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ ये. But except that, I have a couple packages that came in. और camera के पीछे भी एक चीज है जो मैं इस वीडियो में नहीं दिखा सकती, मतलब मैं दिखा सकती हूँ एज सच, बट अगले वीडियो के लिए छोड़ते हैं किसी चीज़ को. आई एम रियली एक्साइटेड टू बी होम. आज के वीडियो के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि उसमें बहुत ऐसी अनबॉक्सिंग, बहुत कूल स्टफ है. तो इस वीडियो का एक स्क्रीनशॉट लो, उसको अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर डालो, मुझे टैग करो, एंड आई एम गोइंग टू गिव यू अ शाउट आउट इन माय नेक्स्ट वीडियो. दिस वीडियो शाउट आउट इज टू ऋषि. लाइक करो, कमेंट करो, एंड भाई सब्सक्राइब भी कर दो यार. चलो बाय.